दोस्त जो एक्सरसाइज कर लेगी ना, कोई जगह फिक्स नहीं होती, कहीं पर भी एक्सरसाइज कर सकते हो, कहीं पर भी देश के किसी कोने पर भी अपने इलाके में कहीं पर भी घर पर एक्सरसाइज करने की जगह नहीं हो, वहाँ रोड पर फुटपाथों पर कहीं पर भी कर सकते हो। सिर्फ सेफ्टी का ध्यान रखना, ठीक है, और एक्सरसाइज करने की कोई जगह नहीं होती है। बस ये है कि वर्कआउट करने वाला बंदा चाहिए दोस्तों, ठीक है। वर्कआउट करने वाला बंदा होगा ना जिंदगी सर्वति सर्वथा, ठीक है। बाहर वर्कआउट करते हो तो बाहर वर्कआउट करके फिर घर में आके फिर दोबारा वर्कआउट करो, ठीक है। बॉडी पूरी बर्न हो जाती है और मज़ा आता है, शरीर को ख़त्म हो चुका होता है फिर मज़ा आता है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान, ठीक है। दोस्तों कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो ना, उसमें मतलब 10 सेकंड का, मतलब 10-15 सेकंड का तो नहीं, कम से कम 2 मिनट तकरीबन आप एक्सरसाइज वर्क के टाइम लो, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट का पूरा टाइम लो और सांस को ना जरा रिदम में आन दो। शरीर ऑलरेडी बर्न हो रहा है क्योंकि आपने एक्सरसाइज को बंद नहीं किया ना, आप अच्छा कंटिन्यू कर रहे हो। 2 मिनट का बर्न, मतलब सॉरी 2 मिनट का इसलिए लेना आपको ताकि जो अगली एक्सरसाइज के लिए आप क्या हो जाए, फिट हो जाए और अपना एनर्जी रिकवर हो, ठीक है। बाकी जो आपकी बॉडी हो रही है, बर्न हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है,
आपकी नसों में जो है ताकत आ रही है और आपका जो ब्रेन का जो लेवल है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपकी बदन की पैर की मसल्स की हर नसें मजबूत हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। इसलिए ये मत सोचना शर्माना कि यार मैं बहुत मतलब ज़्यादा ब्रेक ले रहा हूँ। अपने हिसाब से ब्रेक लो, जैसे आपसे आपका शरीर रिक्वायर कर रहा है उसी हिसाब से एक्सरसाइज को क्या है आगे कंटिन्यू करो, लेकिन कंटिन्यू करके रखना है, ठीक है। बॉडी को ठंडा बिल्कुल भी होने देना है, ठीक है। बिल्कुल आपका जो ये है ना पूरा जैसे अभी निचोड़ने लायक होगी पूरी, ठीक है, नेक कर से लेकर अंडर गार्ड में से लेकर ऊपर की वेस्ट तक, तो उस हिसाब से आपने पूरा उसको निचोड़ना है 100%। इस काम को आपको करना ही करना है, कोई चीज़ का ध्यान नहीं, ठीक है। जो जिस टाइप की जो मैं जो एक्सरसाइज में कर रहा हूँ जो बता रहा हूँ ना, इससे कभी भी आपका पेट मोटा नहीं होगा। आपकी जो आपकी जो पेट की चर्बी होगी नहीं वो भी घटेगी। लेकिन ध्यान इस बात का रहे दोस्तों, डाइट आपकी वो होनी चाहिए जो शरीर की रिक्वायरमेंट में होता है। जिस तरीके से आप ना वो मत खाना, फास्ट फूड का इस्तेमाल मत करो, ठीक है। ज़्यादा फास्ट फूड ओवर डाइट करनी मत लो, जरा सी पेट के अंदर भूख रहनी चाहिए, ठीक है। और आप जो है ना सलाद के तौर पर जो है जैसे पनीर के टुकड़े मूँग चने मूँगफली को भिगा के रखना है आपको, ठीक है। खीरा काट लेना जरा सा, ओके। और फिर जरा सा प्याज काट लेना, जरा सा टमाटर काट लेना, ठीक है। वही 6-7 आइटम को मिक्स करके उसको हल्का सा लवण डालना, सैदा नमक का इस्तेमाल करना, सफ़ेद वाला नमक इस्तेमाल करना, सैदा नमक लगाना, ठीक है। उस पर जो है वो खतरनाक होता है वाइट वाला, इसलिए सैदा नमक इस्तेमाल करना, वो डालना। हल्का चुटकी भर कर लाल मिर्च का जो पाउडर आता है वो वाला मोटा वाला थोड़ा सा डाला, फ्लेवर बनाने के लिए उसको बड़ा मिक्स करके उसका इस्तेमाल जैसे ज़्यादा करो, ठीक है। और सुबह उठकर, सुबह जब आप उठते हो ना, सुबह उठते ही जो क्या करना है आप सबसे पहले कुल्ला वगैरह करने करना है, ठीक है। जितने भी सलाइवा अंदर जीत के अंदर पूरा बन रहा है आपको ना, गर्म पानी पीना है, ठीक है, दवा के गर्म पानी पीना है। और उसके बाद बाहर वगैरह जो भी जाना है जाना है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल चाहे आप बहुत ही जाना कहीं भी जाना, ठीक है। ये आदत है साबित करना, बाकी एक्सरसाइज जारी रहेगी। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए सही बंदे मात्र बहुत।